चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक के बारे में, कि ई दृष्टि निकालता है वही बुक्स है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लास्ट में बात कर चुके थे क्या, आपके जो संधि समझौता हुए 2019-20 में उन्हें देख चुके थे। अब हमें बात करनी है संघ और संगठनों के बारे में। याद रखिए, आपकी जितनी भी क्लासें अभी तक ली जा चुकी हैं वो सभी समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनाई हुई है उसी में डली हुई है। ठीक है, तो संघ और सम्मेलन देखते हैं हम लोग। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की बात की गई है। केंद्र सरकार द्वारा इस परिषद के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है 21 अगस्त 2020 को। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। तो याद रखिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद होगी, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होंगे, और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री होंगे इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, इन्हें दोनों को याद रखिए। फिर आपका उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अडानी पावर लिमिटेड एपीएल द्वारा उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेट लिमिटेड की कुल इक्विटी पूंजी के 49% के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है। 31 जुलाई 2020 को किया गया है। एक बात और आपको बता दूं, आपके जो भी राष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उन्हें हम लोग कवर कर चुके हैं, तो वहां आप लोग जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, सभी संगठन पढ़ाए गए हैं। फिर चाहे आपके चुनाव आयोग हो, वित्त आयोग हो, या WHO हो, यूनेस्को हो, समझ रहे हैं आप लोग, WTO हो, अगर कोई छूटा हो तो आप लोग बताइएगा, उसे भी हम लोग कवर कर देंगे। फिर आपने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्सॉन मोबिल को पछाड़कर विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बनी हुई है। ठीक है, वर्तमान में सऊदी अरब अरामको विश्व की सबसे मूल्यवान ऊर्जा बन गई है। तो ये विश्व के दूसरे नंबर पर है आपकी रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। RIL स्टॉक मार्केट डाटा के अनुसार बाजार पूंजीकरण के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में 46वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखिए। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 सामान्य बीमा कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराने हेतु मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की 3 सामान्य बीमा कौन कौन सी है इसमें? कंपनियां ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की मदद हेतु 12,450 करोड़ रुपए 2019-20 में प्रदत्त 2500 करोड़ रुपए सहित पूंजी उपलब्ध कराने की को मंजूरी दी गई है। ये 8 जुलाई 2020 की बात है। पर बात करते हैं सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया है। भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC द्वारा सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की गई है। ये 24 मई 2020 की बात है। पर बात करेंगे आतंकी संगठन हिजबुल्ला पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। जर्मनी ने ईरान समर्थित आतंकवाद संगठन हिजबुल्ला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। 30 अप्रैल 2020 की बात है। पर आप देखेंगे नॉर्टन का अधिग्रहण TVS मोटर कंपनी लिमिटेड द्वारा ब्रिटेन की स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण पूरा किए जाने की घोषणा की है 17 अप्रैल 2020 को। TVS मोटर्स ने नॉर्टन का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया है। TVS आप लोग मोटरसाइकिल चलाते भी तो हैं। कामरा जार पोर्ट लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया है। चेन्नई बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा कामरा जार पोर्ट लिमिटेड की 67% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। कब? 27 मार्च 2020 को। यह अधिग्रहण 2383 करोड़ रुपए में किया गया है। कितना? 2383 करोड़ रुपए में किया गया है। फिर आप देखेंगे ओवर के खाद्य वितरण व्यवसाय का अधिग्रहण किया गया है। जोमेटो द्वारा भारत में ओवर के खाद्य वितरण व्यवसाय का अधिग्रहण मार्च 2020 में किया गया। फिर आप देखेंगे गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस स्टैक
सिटी गांधीनगर में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC शाखा खोली है 6 जनवरी 2020 को। CDSL गिफ्ट सिटी के IFSC में अपनी शाखा खोलने वाली भारत की पहली सूचीबद्ध डिपोजिटरी है। ठीक है, तो ये आपकी गांधीनगर में। फिर आप देखेंगे रुचि सोया का अधिग्रहण किया गया। पतंजलि आयुर्वेद ने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के माध्यम से 4,350 करोड़ रुपए में सोया फूड ब्रांड न्यूट्रेला बनाने वाली रुचि सोया का अधिग्रहण किया है। 18 दिसंबर 2019 की बात है। आप लोगों ने देखते हैं ना सोया वरी, जिसे न्यूट्रेला भी कहते हैं। आप लोग, आप अगर स्टूडेंट हैं और आप बाहर रहते हैं, खाना बनाते हैं, तो शायद आप लोग बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में यही मेन है सब। एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया है। वैश्विक इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल द्वारा एसआर स्टील कंपनी स्टील इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया दिसंबर 2019 में। साथ ही निप्पन स्टील कॉरपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड का भी गठन किया गया है। आर्सेलर मित्तल के अध्यक्ष और मुख्य वित्त अधिकारी आदित्य मित्तल को इस संयुक्त उद्यम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विदेशी सहयोग विभाग, विदेशी सहयोग विभाग, तो इसमें आप देखेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राज्य में निवेश और निर्यात को नई दिशा प्रदान करने हेतु विदेश सहयोग विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ये 18 नवंबर 2019 की बात है। बॉर्न ग्रुप का अधिग्रहण, भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड द्वारा न्यूयॉर्क स्थित मीडिया आउटसोर्सिंग फर्म बॉर्न ग्रुप का अधिग्रहण किया गया है। कब? 5 नवंबर 2019 को। तो ये है आपके कुछ संगठन, संघ जो भी रहे करंट अफेयर से जुड़े हुए। ठीक है, और वैसे ये संगठन याद रखिए, मुझे लगता है कि यहां से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो एक तरह से करंट हो गया। आप सोचिए, एक पेज का है, लगभग 7-8 मिनट में आप लोगों ने खत्म कर दिया। मेन पूछे जाते हैं आपके जो संगठन बनाए गए, उन्हें मैं मेन संगठन कहता हूँ। और वो जो भी रिपोर्ट जारी करता है, जो भी मुख्यालय है, उनसे हमेशा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपको सफलता बहुत जल्दी पानी है, तो आप लोग एक काम कर लीजिए और जरूरी कर लीजिए, 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर ले लीजिए और सिलेबस पूरा एक एक शब्द से कवर कर लीजिए। यही योजना है समय की, और योजना जो बना के चल रहा है वो ही आगे बढ़ पा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करेंगे विधि और न्याय के बारे में।